ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वन एंड ऑल। एकदम बढ़िया, बारिश वारिश शुरू हो रही है यार। आप लोग कभी जाके कुछ बारिश में नहाते हो कि नहीं नहाते हो? मेरे को तो मौका नहीं मिलता, बट आज तो आ जाओ बारिश में नहलाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की बारिश हो रही है यहाँ पे, लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। एंड इससे पहले कि हम कुछ भी आगे बढ़े, इट इज इम्पेरेटिव, एब्सोल्युटली एसेंशियल कि लास्ट टाइम जो भी किया उसका एक ब्रशअप तो बनता है। तो मैंने तीनों रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों साइड में लगा दिए एक साथ, और इन तीनों की जो भी क्वांटिटीज हमने देखी थी वो सब यहाँ पे करने वाले हैं हम। और रेजिस्टर में सबसे पहला पॉइंट याद है, सबसे पहले क्या लिखते थे हम? कुछ भी हो, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः आता है, तो V इज Vm साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में भी वही, सब में वही आएगा। इफ यू रिमेम्बर, Vm वॉज द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। उसके बाद हमने करंट डिराइव किया था, सेकेंड इक्वेशन था करंट का। किसी को रेजिस्टर का करंट याद है? I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। यहां पे आई एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विच इज Vm बाय R। लुकिंग एट बोथ दीस हमने ग्राफ बनाया था, और वो ग्राफ कैसा था? ग्राफ, कोई मुझे फेज रिलेशन बता सकता है करंट और वोल्टेज का? ये वोल्टेज, यू अग्री, दोनों इन फेज थे फॉर अ रेजिस्टर। वाह, आपको ये छोटा डायग्राम नजर आ रहा है? आ रहा है ना? सो यहां पे फॉर अ रेजिस्टर वी एंड आई आर इन फेज, ओके। आई एम वॉज वी एम बाय आर। अब क्योंकि जगह की थोड़ी तंगी है तो मैं ग्राफ उड़ा दूंगा, वी एंड आई आर इन फेज भी उड़ा दूंगा। उसके बाद पावर था, पावर, पावर याद आती है? पावर की कितना था इक्वेशन? पावर का, पावर कंज्यूम्ड, पी इज आई एम स्क्वेयर बाय 2 इंटू आर। और पहली बार आई एम स्क्वेयर बाय 2 को एक अलग नाम दिया था, यू रिमेम्बर? आई आर एम एस। सो दिस इज आई आर एम एस स्क्वेयर इंटू आर। हियर आई आर एम एस वॉज आई एम बाय रूट 2। पहली बार हमारी नजर पड़ी थी ऐसा कुछ होता है करके। आर एम एस स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वेयर। पहले स्क्वेयर किया, फिर मीन लिया, फिर उसका रूट मारा, तो ये हो गया पावर कंज्यूम्ड, आई आर एम एस स्क्वेयर इंटू आर। फिर आया फाइनली फेजर। जगह की तंगी तो है ही यार, कहाँ जाए, देश इतना बड़ा है, पब्लिक इतनी सारी है। तो फेजर मेथड, आई थिंक फेजर मेथड लास्ट टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट रहा। और फेजर बनाने के लिए हमको वीएम और आईएम के इक्वेशन चाहिए थे जो यहीं पे हैं। सो आओ बनाए फेजर। यू रिमेम्बर, दिस वॉज वोल्टेज जिसका लेंथ था वी एम, एंगल बना रहा था ओमेगा टी, एंड इसी के साथ था करंट। दिस वॉज आई एम एंड दिस वॉज ओमेगा टी। तो इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने चेक किए, दिस वॉज आई एम साइन ओमेगा टी एंड इसका था वी एम साइन ओमेगा टी। भाई ये फेजर्स को खास मैं यही रख रहा हूं क्योंकि मुझे आज के लेक्चर में भी फेजर यूज कर रहा है। तो वोल्टेज और करंट के फेजर साथ साथ इंडिकेटिंग वी एंड आई आर इन फेज। तो ये हो गई कहानी रेजिस्टर की। अब शुरू होती है कहानी इंडक्टर की। एनीबडी रिमेंबर्स इक्वेशन फॉर करंट? आई इज आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बराबर, हमने प्रोसेस से ये फाइनल आंसर लाया था, जहां पे आई एम वॉज वॉट वी एम बाय ओमेगा एल। इस ओमेगा एल को हमने नाम दिया था एक्सेल, इट वॉज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। बराबर, एक्सेल वॉज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। सेम जैसा आर, जो आर का ऐसा यूनिट वही इसका ऐसा यूनिट इज ओम।
फिर आता है ये वन है, ये टू है और ये आया थ्री। भाई थ्री ग्राफ, और ग्राफ के बारे में तो तुमसे मैं क्या बताऊं। ये वोल्टेज का पहला हमेशा सॉरी मैंने सुना नहीं सर, V leads I by pi by 2। बहुत बढ़िया, पर एक छोटा सा दिक्कत है मेरे को कि मैं करंट कहां से बनाऊं यार, ये झोल है लाइफ का, माइनस पाई बाय टू से या प्लस पाई बाय टू से? प्लस पाई बाय टू से। वेरी गुड, क्योंकि करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय टू, बराबर। वोल्टेज पहले पैदा हुआ है, करंट बाद में पैदा हुआ है, कितने एंगल बाद पैदा हुआ? पाई बाय टू। तो यहां से जैसा वोल्टेज शुरू किया है, सब कुछ यहां से देख रहा हूं, तो यहां से करंट उठाऊंगा, वाह। आप चाहो तो आप यहां से नीचे ले सकते हो, ना चाहो तो ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या हो गया, क्या बना दिया। सो स्टेटमेंट यहां लिखा जाएगा, V leads I by angle pi by 2। अच्छा लेट मी आस्क, मैंने जो भी यहां पे किया लास्ट टाइम, जो मैंने करवाया, उसमें कोई दिक्कत थी क्या पीपल? नो सर। भाई एक ने तो बोल दिया, बाकी लोग भी बोल लो। श्योर एवरीवन? दो ने बोल दी, तीन लोग बोल दिए, चलो अच्छा, अच्छी बात, अच्छी बात, चलो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके आगे बढ़ते हैं, पावर। भाई पावर का एकदम विशेष था यहां पे, ओवर वन होल साइकिल, मैं थोड़ा टाइम लूंगा इस चीज में, एवरेज पावर, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है एसी में हम कभी इंस्टेंटेनियस पावर नहीं यूज करते, क्योंकि वोल्टेज करंट बोथ आर चेंजिंग विद टाइम, एज अ रिजल्ट इंस्टेंटेनियस पावर डज नॉट वर्क आउट। सो व्हाट वी डू, वी टेक द एवरेज ओवर वन होल साइकिल, एंड वंस आई टुक द एवरेज ओवर वन होल साइकिल, द एवरेज पावर वॉज फाउंड टू बी जीरो। इन शॉर्ट, इंडक्टर ने जितनी एनर्जी ली एक साइकिल में, उतनी ही एनर्जी सोर्स में वापिस दे दी। द नेट पावर कंज्यूम बाय इंडक्टर ओवर वन होल साइकिल इज जीरो। और ये हो जाने के बाद, बेटर गिर गया, तो ये हो जाने के बाद फेजर, फेजर आया, फिर हमारी गली में फेजर आया। ओके फेजर एनीबॉडी, कोई तो बताए यार, क्लास होती तो पूछ लेते। रुक जा बेटा, सबसे पहले तो वोल्टेज का फेजर बना दे अपने, ये रहीन वोल्टेज। हाँ भाई, करंट कहाँ बनाऊं, यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी नाइस, फोर्थ क्वाड्रेंट। किसी कोई बंदा अपना काम करके आया लगता है। एंड वीएम और आईएम के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री, बराबर है। VM और IM 90 डिग्री होगा, और जिस तरह चलेंगे, किस तरह चलेंगे, इस तरह, वोल्टेज लीड करेगा, टक 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 टक, करंट लैग करेगा, क्योंकि आई एम श्योर यू रिमेंबर, सब कुछ ऐसे ही चलता है, जीरो यहां से होता है और यहां से फिर आगे बढ़ता जाता है। सो वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री। ओके एंड फाइनली कैपेसिटर, कैपेसिटर भाई ये नंबर वन है, ये तो हमेशा नंबर वन। करंट का इक्वेशन, I is I am sine omega t plus pi by 2, और यहां पे I am is Vm over 1 by omega c, इस ओमे वन बाय ओमेगा सी को हम नाम देते हैं एक्ससी। इट राइम्स विद अनदर वेरी ब्यूटीफुल वर्ड एंड दैट इज द वर्ड टू डिस्क्राइब इट, बट दिस इज एक्ससी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज एक्ससी, यू अग्री दिस इज एक्ससी? एब्सोल्युटली। सो एक्ससी इज वन बाय ओमेगा सी, ऐसा यूनिट अगेन ओम। थर्ड भाई ग्राफ, भाई इसमें ग्राफ बनाया अपन ने? नहीं बनाया, नहीं बनाया, बनाया ग्राफ, बनाया ग्राफ, बगैर ग्राफ के तो कैसे चलेगा काम।
leads v by pi by 2. My God, तू क्या खा के आया रे? चूरन खा के आया क्या? धमा धमी मचा रहा है ध्रुविल? नहीं सर. अच्छा, कोई बाबा बाबा का चूरन वूरन नहीं खाया ना किसी ने? अच्छा तो कहां से करंट होगा? आगे से, माइनस पाई बाई टू से, बराबर. तो यहां से जैसा वोल्टेज शुरू हुआ था ऐसा करंट भी वैसा ही. लवली, नाम लिखना मत भूलना, ये पाई बाई टू है. तो हमारी क्या स्टेटमेंट रहेगा? आई लीड्स वी बाय पाई बाई टू. तुमको याद है तो हमने एक छोटा सा निमोनिक भी बनाया था कि आई हैव द कैपेसिटी टू लीड. इसका मतलब आई इन कैपेसिटर्स लीड्स. इन शॉर्ट, इन द सर्किट इफ द कैपेसिटर इज पावरफुल देन करंट विल लीड, एंड इफ द इंडक्टर इज पावरफुल वोल्टेज विल लीड. बराबर है. सो इफ करंट, इफ कैपेसिटर इज पावरफुल करंट लीड्स, एंड इफ इंडक्टर इज पावरफुल वोल्टेज लीड्स. सिंपल एज दैट. फिर पावर की बात आई, पावर, और इसमें भी हमने देखा ओवर वन होल साइकिल द पावर कंज्यूम, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड वाज जीरो. तो पावर कंज्यूम्ड ओवर वन होल साइकिल फिर से जीरो आ गया. जैसा काम इंडक्टर ने किया वैसा ही कैपेसिटर ने किया कि जितना एक पूरे साइकिल में जितनी एनर्जी ली उतनी वापस दे दी. एज अ रिजल्ट द नेट पावर कंज्यूम्ड वाज जीरो. एंड फाइनली द आइडिया ऑफ द फेजर इज समथिंग लाइक दिस. फेजर एंड लवली वोल्टेज हियर एज यूजुअल वीएम, और ये ओमेगा टी. एंड टेल मी, टेल मी, आई एम सेकंड क्वाड्रेंट. वेरी नाइस, वेरी नाइस सर जी, सेकंड क्वाड्रेंट एब्सोल्युटली इट इज, नो डाउट. एंड दिस इज आई एम, और आई एम और वीएम के बीच में एंगल कितना? 90. हियर करंट लीड्स, वोल्टेज लैग्स. इन शॉर्ट, अब करंट आगे बढ़ेगा, टक 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 टक, वोल्टेज उसके पीछे आएगा, हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री. ऑलराइट, इस पूरे में कोई दिक्कत है किसी को? एनी इश्यूज सो फार और समथिंग लाइक दैट? नो, वी आर ऑल गुड. ओके, एनीबॉडी वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक इट, काम आएगा काफी. जस्ट टेक इट. ले लिया? ओके, फिर ग्रुप में पोस्ट कर देना. पहले हम लोग लेटर पोस्ट करते थे 15-20 साल पहले, अब लोग चैट और फोटो पोस्ट करते हैं. क्या बात, जमाने बदल गए हैं. ओके, इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, एकाध दो चीजें जो हमने लास्ट टाइम देखी थी पर मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया अभी रिवीजन में, वो ये थी कि ओवर वन होल साइकिल व्हाट इज द एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी या साइन टू ओमेगा टी या कॉस टू ओमेगा टी? जीरो. सो लिख देते हैं, अच्छा रहता है. ओवर वन, ओवन हो गया ये, ओवर वन होल साइकिल एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो या साइन टू ओमेगा टी हो या cos 2 ओमेगा टी हो, दे आर ऑल जीरो. एंड ओवर वन होल साइकिल इटसेल्फ, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी हो, ये सम सॉल्व करने में काफी काम आएगा, या cos स्क्वेयर ओमेगा टी हो, द एवरेज विल बी हाफ. ओके, एंड नॉट टू मेंशन द एवरेज ऑफ एनी फंक्शन. Over one whole cycle can be written as average ft is 1 by t integral 0 to t ft dt. Okay, so
वैसे ये इक्वेशन भले अपने को बोर्ड में कुछ ज्यादा यूज नहीं होगा, बट आई कैन अश्योर यू जेई नीट में कभी कभी ये इक्वेशन का काम आ जाता है, या कोई भी फंक्शन का एवरेज फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन काफी कारगर सिद्ध होता है. सो आई होप यू रिमेम्बर दिस लवली थिंग्स. और कुछ था, और एक और IRMS का लिख देता हूं. रूट मीन स्क्वेयर वैल्यूज. तो IRMS इज IM/√2, VRMS इज VM/√2. ऑल्सो डोंट फॉरगेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जो XCXL में यूज होती है, इज 2π nu. नू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी. हमारे कंट्री में फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्स, अमेरिका वगैरह कंट्रीज में इट इज 60 हर्ट्स. एक और बात बता दो, अपनी कंट्री में VRMS इज 220 वोल्ट, पर अमेरिका में VRMS इज 110 वोल्ट. ऑलराइट, तो तभी वहां की जो डिवाइसेस होती हैं, वहां के जो यूजेज होते हैं, वो यहाँ पे कभी कभी नहीं चलते. आई एम श्योर आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि वहां से कुछ ले आते हो यहाँ पे, तो यू नीड एन अडेप्टर बराबर टू वर्क इट आउट इन द राइट मैनर. सो वो चीजें यहाँ पे टोटली कॉम्पैटिबल नहीं होती, यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट दैट. ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट इट इज. ये कुछ अलग अलग चीजें हैं, मैं उड़ा रहा हूं. और आज का कारवां शुरू करते हैं. आज रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर तीनों का मिश्रण होगा. सो वी आर लुकिंग एट RLC, रेजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज विथ एसी वोल्टेज, और उसका करंट फाइंड करना है हमको. एंड वी आर गोइंग टू यूज द वेपन्स दैट लास्ट लेक्चर गेव अस. सो रिमेंबर दैट हम वही यूज कर रहे हैं जो लास्ट लेक्चर ने हमको दिया था, फेजर वगैरह सब कुछ. सो स्टे विथ मी, लेट्स स्टार्ट. आर एल एंड सी इन सीरीज विथ एसी वोल्टेज. तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, डायग्राम बनाए का पड़ी. ये आर, ये एल, ये सी, और तीनों सीरीज में किसके साथ? ये एसी वोल्टेज के साथ. एंड एसी वोल्टेज इज गिवन एज वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. और करंट यहां से शुरू होता है लेट अस से. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. सबसे पहली बात, डू यू नोटिस, अच्छा इस चीज का जो करंट फाइंड करना है दो तरीकों से हो सकता है. पहला तरीका विल बी फेजर मेथड एंड दूसरा तरीका विल बी एनालिटिकल सॉल्यूशन. तो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दी यू नो फेजर मेथड. और फेजर मेथड से जो यू नो लाइन या आंसर्स वगैरह, वील कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट देम विद द थिंग्स ब्रॉट फॉरवर्ड इन दी एनालिटिकल सॉल्यूशन. सो जस्ट स्टे विथ मी. नाउ द फर्स्ट थिंग इज, डू यू नो इंडिविजुअल फेजर्स फॉर रेजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर? आई बेट यू डू, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था. तो सबसे पहला यहां पे द करंट, एसी करंट पासिंग थ्रू आर एल एंड सी इज सेम. व्हाई इज द करंट सेम? बिकॉज दे आर इन सीरीज. एंड नाउ यूटिलाइजिंग दिस आइडिया कि एसी करंट सेम है उन सब के थ्रू, मैं कहूंगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, लेट अस कॉल इट वी आर, इसके अक्रॉस लेट अस कॉल द वोल्टेज ड्रॉप वी एल, एंड इसके अक्रॉस लेट अस कॉल द वोल्टेज ड्रॉप वी सी. तीनों के थ्रू करंट सेम है. सो माय फर्स्ट आइडिया इज द फेजर मेथड सॉल्यूशन. फेजर मेथड सॉल्यूशन सबसे पहला, एक यू नो वोल्टेज तो हमको पता ही है, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है. मैं करंट भी कुछ अज्यूम कर ही लेता हूं. लेट मी अज्यूम करंट एज, लेट इक्वेशन फॉर एसी करंट बी, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, आई इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सर ये ऐसा ओमेगा टी प्लस फाइव क्यों लिया? एक्चुअली देखने जाओ तो मेरे को पता है कि सिर्फ रेजिस्टर में वी और एल साथ में है, इंडक्टर में अलग अलग है, कैपेसिटर में अलग अलग है.
तो मैंने जस्ट एक अजम्पशन किया है, आई हैव जस्ट अज्यूम्ड दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज फाइ. तो अब यहां पे सबसे पहला मैं फेजर बनाऊंगा रेजिस्टर के लिए. रेजिस्टर के लिए आपको पता है वी और आई क्या है, सेम है ना, इन फेज. सो लेट मी मेक, हम हमेशा बड़ा ही बनाते हैं तो एक बड़ा बना लेते हैं. मैं इंपॉर्टेंट इसमें करंट रखूंगा, मैं करंट बड़ा कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसको अलग दिखाना है. अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है. ये ठीक है, ये ठीक है, अब ये ठीक है. ये है करंट और इस करंट के फेजर का लेंथ है आई एम, और कितना एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, ओमेगा टी प्लस फाइव. अच्छा, रेजिस्टर का फेजर, रेजिस्टर के थ्रू वोल्टेज का फेजर बनाना है. यू नो अक्रॉस अ रेजिस्टर वी एंड आई आर इन फेज. तो मैं अब रेजिस्टर का फेजर बनाऊंगा, थोड़ा लफड़ा होगा पर करेंगे. कैन यू सी दिस फेजर इन ब्लैक? दिस इज द इक्वेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर, जिसको मैं कहता हूं वी आर एम. सो कैन यू सी, ये है फेजर रेजिस्टर का, वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर जिसका लेंथ है वी आर एम, एंड ये करंट का फेजर है जिसका लेंथ है आई एम. एंड बिकॉज अक्रॉस अ रेजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, तो दोनों को सेम एंगल पे बनाया. अब मुझे बनाना है इंडक्टर का फेजर. Can someone tell me what is the phase relation between inductor, between the voltage and current in inductor? Who leads, who lags? V leads, I lags. तो वोल्टेज कहां बनेगा, यहां या यहां? लीड, लीड सेकेंड क्वार्टर में आएगा. तो इस फेजर को नाम देंगे वी एल एम. एंड कितने एंगल पे होगा यहां से, आपको 90 लग भी रहा है? इतना लग नहीं रहा है तो लगा देते हैं, लग नहीं रहा है तो लगा देते हैं. अब लग रहा है, अब ये 90 लग रहा है, वी एल एम और आई एम के बीच में 90 डिग्री लग रहा है. सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स, करंट लैग्स. अच्छा, कैपेसिटर का बनाना है. कैपेसिटर में वोल्टेज कहां होगा? ओकी डोकी बड़ी. तो ये बना तुम्हारा, सर काफी बड़ा बना दिया है. हाँ, मुझे भी ऐसी लगा. इसको नाम देंगे वी सी एम, एंड एज यू कैन सी करंट और इसके बीच में कितना एंगल रहने का, 90. तो वैसे ये दोनों सामने सामने ही है, सामने सामने अगर ना लग रहे हो तो बना देते हैं सामने सामने. बढ़िया लग रहा है. हैव अ लुक, वोल्टेज फेजर देखो एक बार. फेजर देखे, करंट का मैग्नीट्यूड, करंट का मैक्स वैल्यू मैंने आई एम दिया है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का मैक्स वैल्यू वी आर एम दिया है, एंड आई एम वी आर एम दोनों फेज में है. वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को मैंने मैक्स वैल्यू वी एल एम दिया है, एंड वी एल एम लीड्स करंट बाय 90, एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के मैक्स वैल्यू को मैंने नाम दिया है वी सी एम, एंड वी सी एम लैग्स आई एम लीड्स, करंट लीड्स वोल्टेज लैग्स बाय एंगल 90. तो ये चार फेजर बनाए मैंने, पहला आई एम, फिर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. अब मैं इनका मिश्रण करने वाला हूं. क्या करने वाला हूं? मिश्रण. अच्छा, और उसके लिए ना मुझे ये डायग्राम उड़ाना पड़ेगा. तो लेट्स उड़ाओ. काफी आसान सा मेथड है ये, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास. आई होप आपको इक्वेशन फॉर करंट तो याद रहेगा. अब मैं क्या करने वाला हूं कि यू आर लुकिंग एट दिस फेजर डायग्राम,
कैन यू सी, मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज का फेजर फाइंड करना है। सबसे पहले रिजल्टेंट वोल्टेज का फेजर फाइंड करना। नाउ ये VCM इस डायरेक्शन में है, VLM इस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 हो और ये 2, तो नेट कितना होगा? 5 पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, 2 नेगेटिव डायरेक्शन में हो, तो नेट कितना हुआ? 3। सो डू यू अग्री इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी VCM माइनस VLM? लेट मी शो यू, लेट्स यू नो द इक्विवेलेंट फेजर ऑफ VLM एंड VCM इज VCM माइनस VLM लाइक दिस। मैं सिर्फ है ना अभी वोल्टेजों के ही फेजर बनाऊंगा, करंट का नहीं बनाऊंगा, करंट का तो वह बैठा है वहां पे। मुझे फिलहाल सिर्फ वोल्टेज का फेजर बनाना। सो दिस इज VCM माइनस VLM। रेजिस्टर जैसी लाइन थोड़ी आगे जाती है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है उसका, देखा टेढ़ी हो ही जाती है। ठीक ही है यार, है सर थोड़ा बड़ा हो गया। अरे बड़ा हो गया तो बेटर है ना यार, ये VRM। अच्छा भाई इन दोनों का रिजल्टेंट आपको अंदाजा है? ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। डज इट सीम लॉजिकल? ये VRM ये रहा जो ये है, और ये VCM माइनस VLM है जो ये है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट डू यू अग्री आई कैन फाइंड यूजिंग द पाइथागोरियन हाइपोटेन्यूज? मैं पाइथागोरियन हाइपोटेन्यूज बनाने के चक्कर में हूं। तो क्या है, इतना बड़ा डायग्राम है तो गलतियां तो होना स्वाभाविक है। आई गेस बरोबर ही लग रहा है जी, ये ठीक लग रहा है ना? तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से लेकर यहां तक, इसको नाम देंगे हम VM। ये VRM और VC माइनस VLM का रिजल्टेंट है जिसका नाम है VM। बचपन में VM बनाया करते थे, सबसे पहला इक्वेशन वही होता था, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो ये जो VM है, क्या अजम्पशन है आपका? हाउ मच एंगल शुड इट मेक विद दिस एक्सिस? ओमेगा टी। व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर वोल्टेज? व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर करंट? करंट कितने एंगल पे है? ओमेगा टी प्लस फाइव जैसा दिखाया गया। वोल्टेज कितने पे एंगल पे है? ओमेगा टी जैसा नजर आ रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो कितने एंगल पे है? ओमेगा टी। ऑल्सो या भाई इस पूरे कांड में करंट को मत भूल जाना, ये वही इसका मैंने यू नो पुछड़ी बना दी करंट की। ये करंट कितना एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ? ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा एंगल बना रहा है। अब ओमेगा टी वीएम बना रहा है, तो वीएम और आईएम के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? इज दिस डायग्राम अंडरस्टैंडेबल? ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव है, उसमें से वीएम बना रहा है ओमेगा टी, तो अब वीएम और आईएम के बीच में व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट एंगल? फाइव, एज इज एविडेंट इन दिस इक्वेशन। आई और वी के बीच में कितना एंगल है? फाइव, सिंपल। एंड हमने क्योंकि यहां पे कैपेसिटर को पावरफुल रखा है, तो आपने देखा करंट लीड कर रहा है। ओके, सो यहां पे करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। अच्छा, डू यू नो पाइथागोरस थ्योरम? एंड कैन यू यूज पाइथागोरस थ्योरम बिटवीन VM, VRM एंड VC माइनस VLM? अगर ये VC माइनस VLM है
तो ये भी तो वी सी एम माइनस वी एल एम ही होगा. इज दिस अग्रीएबल? सो पाइथागोरियन हाइपोटेन्यूज है वी एम और दो साइड्स है वी आर एम एंड वी सी माइनस वी एम. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ नाउ. आई होप यू कैन लुक एट इट. कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? इट्स अ वेरी लवली डायग्राम, वन ऑफ द बेस्ट आई एवर मेड. अच्छा, ये जो डायग्राम बनाया था उसमें कोई शक कि सर ये इतने सारे फेजर बना कैसे लिए थे आपने? कोई शक नहीं ना? तो ये करंट था, मैंने अज्यूम किया था आई इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो इस करंट के फेजर, जो ब्लू वाला फेजर है, उसका लेंथ था आई एम एंड इट वॉज मेकिंग एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव विद द एक्स एक्सिस. करंट और वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर आर इन फेज. तो ये करंट के साथ ही वी आर एम बना दिया. वी एल एम वॉज 90 डिग्रीज लीडिंग विथ करंट, तो वी एल एम यहां बना दिया. कब वी सी एम वॉज 90 डिग्री लैगिंग, तो उसको पीछे बना दिया. क्योंकि वी सी एम बड़ा है, मैंने वी सी एम को पावरफुल अज्यूम किया है, तो वी एल एम माइनस वी सी एम हो गया इतना. और ये वी एल एम माइनस वी सी एम माइनस वी एल एम, ये वी आर एम, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो नेट वोल्टेज पीक वोल्टेज है हमारा वी एम. दिस वी एम मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा टी विद द एक्स एक्सिस. आई एम मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव विद द एक्स एक्सिस. एज अ रिजल्ट आई एम और वी एम के बीच का एंगल कितना? फाइव. आई एम गोइंग टू प्रोसीड फ्रॉम हियर. अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड, डू यू नो, वी नो, हमको इन फेजर्स की लेंथ के बारे में बात करनी है. रेजिस्टेंस, यू नो, वी आर एम इज आई एम इंटू आर, वी एल एम इज आई एम इंटू एक्स एल. यू नो आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, यू नो ऑपोजिशन ऑफ द इंडक्टर. सो कैन समवन टेल मी हाउ मच विल बी वी सी एम? इज आर दीज इक्वेशंस एक्सेप्टेबल? वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज करंट इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस. और बिकॉज हम यहां पे पीक की बात कर रहे हैं, तो सबके पीछे एम लगा हुआ है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम लेंथ, सो दीज आर ऑल पीक. मैं फिलहाल आर एम एस की बात ही नहीं कर रहा हूं. ओके, नाउ बाय पाइथागोरस थियरम, अप्लाई पाइथागोरस थियरम, क्या मिल जाएगा? डू यू अग्री? वी एम स्क्वेयर इज वी आर एम स्क्वेयर प्लस वी सी माइनस वी सी एम माइनस वी एल एम द होल स्क्वेयर. वी आर एम की वैल्यू है, वी सी एम की वैल्यू है, वी एल एम की वैल्यू है जी, सब कुछ है हमारे पास. वी आर एम आई एम स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर प्लस वी सी एम आई एम इंटू एक्स सी, वी एल एम आई एम इंटू एक्स एल द होल स्क्वेयर. यू अग्री? यहां से आई एम कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर का हिस्सा बनेगा. आई एम स्क्वेयर कॉमन ले लिया, आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल द होल स्क्वेयर. एंड लो एंड बिहोल्ड, आई एम स्क्वेयर, ये वी एम स्क्वेयर ही है ना, तो आई एम स्क्वेयर इज वी एम स्क्वेयर बाई दिस होल थिंग. एंड लेट मी टेक रूट, मीन्स आई डोंट टेक रूट, द इक्वेशन हैज टू टेक रूट. इफ आई टेक रूट, माई नेम ग्रूट, बट आई एम गोइंग टू टेक रूट. तो आई एम का इक्वेशन क्या होगा श्रीमान? रबेबल, दिस इज टेक ऑफेबल, टेक अ लुक, नो इश्यूज इन दिस. आई एम इक्वेशन को देखो, आई एम कल ही देखा मैंने फिर से गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी. आई एम ग्रूट. आई एम इज वी एम बाय, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू डोंट नो कि ये इक्वेशन कितना रोमांटिक है. सर इक्वेशन रोमांटिक कैसे हो सकता है? अरे इतना प्यार छलक रहा है इस इक्वेशन में से.
Im is Vm by root of R square plus Xc minus XL the whole square. अब तक जो भी इक्वेशन अपन ने देखे, यू नो, उसको कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन वन विथ इक्वेशन फॉर आई एम इन अ रेजिस्टर, जो क्या था, आई एम इज वी एम बाय आर, ये आई एम इज वी एम अपॉन दिस, आई एम इज वी एम अपॉन दिस, व्हाट वाज दिस? रेजिस्टेंस, बराबर, opposition offered by the resistor or the conductor to the flow of current. Do you agree? इसको इसके साथ compare किया जा सकता है? Are these two items comparable? तो ये क्या लग रहा है आपको, क्या होगा ये? Do you agree? This equation, this term is the combined opposition offered by R, L and C to the flow of AC current. Do you agree? Yes, sir. तो बधाई हो, एक सबसे important term का जन्म हुआ है. इस term को क्या नाम दे हम? भाई हमको तो नहीं देना है, जिसने term का आविष्कार किया उसने दे दिया है. इस term को उसने नाम दिया impedance. क्या नाम है? Impedance. लुंगी dance सुना, सन डांस सुना, इम्पीडेंस कभी नहीं सुना, पहली बार सुना. तो इसके मान में थोड़ा सा दो तीन लाइन लिख दिया जाए. सो द कंबाइंड ऑपोजिशन, अच्छा द टर्म, कौन सी टर्म है सर जी? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर इज द कंबाइंड ऑपोजिशन offered by R, L and C to the flow of AC current. अगर आपको गजनी सिंड्रोम नहीं है तो आई एम श्योर यू विल रिमेंबर, ऐसी ही चीजें हमने लास्ट लेक्चर में दो दो बार लिखी थी. यू रिमेंबर ओमेगा एल वॉज द कंबाइंड और द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एल टू द फ्लो ऑफ एसी करंट. 1 by omega C was the opposition offered by C to the flow of AC current. और तीनों का मिश्रण, ये root of this thing, root of R square plus XC minus XL the whole square is the combined opposition offered by R, L and C to the flow of AC current and is called, भाई नाम लेते हुए बड़ा ही गर्व अनुभव हो रहा है, impedance. And denoted as Z. अच्छा वो तो मैं लिख ही दूंगा Z. कोई ये गेस कर सकता है, वैसे गेसिंग का कोई काम नहीं होता फिजिक्स में, कि इस Z का SI यूनिट क्या होगा? ओम 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 ओम, वाह वाह क्या बात, इम्पीडेंस खुश हुए आपने उसका SI यूनिट फाइंड आउट किया, आनंद की बात. सो फिर से इंपीडेंस का इक्वेशन लिखा जाएगा, धस इंपीडेंस 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 इंपीडेंस. रोहित शेट्टी की जगह कोई फिजिक्स वाला पिक्चर बना था तो उसमें इंपीडेंस नाम का गाना होता. अब तुम में से कोई बनाएगा तो देखेंगे, मैं तो बना नहीं रहा हूं. नंबर टू, एंड द एसआई यूनिट of impedance is ohm. Let me say, बहुत ही short idea में हमने वो last diagram उड़ा दिया, पर मैं एक छोटा सा उसका एक झलक बनाना चाहूंगा. You remember this was VRM. एक और काम था इससे, इसलिए अपन ने इसको वापिस बनाया है. This was VCM minus VLM. और इन दोनों का ये है रिजल्टेंट. इसको नाम दिया गया था वी एम, दिस वॉज ओमेगा टी एंड दिस ब्यूटिफुल थिंग वॉज फाई. ओके अच्छा, ये जो वी सी एम माइनस वी एल एम है यही है,
Look at this triangle. Let me call this O, A, B. Look at OAB. Is triangle OAB mein, anyone can tell me what is tan phi? Can you see this angle is phi? What will be tan phi? Opposite over adjacent. So tan phi is VCM minus VLM. This is AB over OB. So from the diagram, जितनी जगह है उसका इस्तेमाल किया जाए, tan phi is AB by OB. And what is AB? VCM minus VLM. थोड़ा नीचे लिखता हूं तो यह कंफ्यूजन ना हो. VCM minus VLM. I hope this side of the board is clear. You remember VCM was IM into XC. बराबर, sorry about that. IM into XC. VLM was IM into XL. And VRM was IM into R. इधर से IM common लिया, काट डाला. What would be my tan phi? Anybody? XC minus XL. XC minus XL. So, एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन से आपको इंपीडेंस भी मिल गया एंड आपको एंगल भी मिल गया tan phi, which is XC minus XL over R. And to cut a long story short, I am drawing a new diagram. Just have a look at this for a second. And then we'll take it off. Okay. So, tan phi is XC minus XL by R. Utilizing this idea, from equation 3, we draw an impedance diagram as shown. मैं एक triangle बनाता हूं. अच्छा, आपको यहां से लग रहा है Z is the Pythagorean hypotenuse of R and XC minus XL. Z is the Pythagorean hypotenuse of R and XC minus XL. तो अगर मैं कहूं R और XC minus XL दो sides हो triangle की, ये आर है, ये XC minus XL है. Do you agree Z should be the hypotenuse? R is one side, XC minus XL is the other side. And Z, क्या ये R टेढ़ा है? Investigation किया है. And this is going to be Z. इसको देखो, इस एंगल, इस ट्रायंगल को देखो और पाइथागोरस लगाओ. Do you agree Z square is R square plus XC minus XL the whole square. यही इक्वेशन आ गया. और अब इसमें एंगल phi एडजस्ट करने का है. Tan phi is XC minus XL by R. तो कौन सा phi होगा, ये वाला या ये वाला? सपोज मैं ये वाला लू तो tan phi, सपोज ये मैं कहता हूं phi है, then what will be tan phi? Opposite over adjacent. Wow. So from here tan phi is opposite XC minus XL by R. वाह वाह वाह, मस्त बन गया डायग्राम जी. ये इंपीडेंस का डायग्राम बन गया. दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस डायग्राम. फाइनली अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है. तो उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को. तो ग्राफ के लिए अपने को ये जगह चाहिए होगी. तो जगह की बहुत तंगी है यार, जरा देख लो फटाफट वो डायग्राम, फिर हम शुरू करते हैं. मैं उड़ा रहा हूं वो साइड, बट पहले लिख दूं. Equation for AC voltage. Graph बनाने के लिए ये दो चीजें बहुत आवश्यक है. And equation for current. क्या assume किया था equation for current? I. Sin omega t plus phi. My goodness, seriously यार. तूने कुछ करना शुरू किया है क्या? हैं? मतलब just like that. आज तो एकदम छाया हुआ है तू. सबसे बड़ा आवाज तेरा ही आ रहा है, लगता है किसी का आशीर्वाद है तेरे सर पे.
है निकोला टेस्ला का आशीर्वाद लिया क्या? जैसे टेस्ला कॉइल, टेस्ला ने टेस्ला कॉइल बनाए थे, ध्रुविल ध्रुविल कॉइल बनाने वाला है। वाह वाह क्या बात भाई। ग्राफ ग्राफ फॉर वी एंड आई इन एन आर एल सी सीरीज सर्किट, हमेशा लिख देने का क्या बना रहे, नहीं तो लोग बोलेंगे येड़ा बना रहे। माय फेवरेट वोल्टेज जीरो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू टू पाई। अच्छा नाउ सबसे पहले टेल मी हु विल लीड दिस इज यू नो इफ यू रिमेंबर हम यहां से फाइंड आउट करते हैं। तो वोल्टेज का एंगल है ओमेगा टी, करंट का एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव। हु डू यू थिंक विल लीड? Yes, Vishwa, who will lead? I leads voltage by 5. अब मुझे बनाना है I leads voltage by 5. But एक issue है, ये 5 कितना रखूं मैं? तुमने वो लास्ट वाले में, अच्छा यहां से 5 नजर आ रहा है? 5 दिख रहा है आपको? Yes, sir. क्या ये 90 है या 90 से कम है? 90 से कम. क्या जीरो है या जीरो से ज्यादा है? जीरो से ज्यादा है। सो मैं इसको देख के ये नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो विश्व कहता है वो सही है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फाइव, बट दिस फाइव इज मोर देन जीरो एंड लेस देन 90। अगर एंगल 90 होता तो मैं यहां से बनाता, ये वाला डायग्राम यहां से बनाता, टॉक 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 टॉक। जीरो होता तो यहां से बनाता, पर जीरो और 90 के बीच में मैं कहीं यहां से बनाऊंगा। तुम्हारी चॉइस पे है, तुम यहां नजदीक लेना चाहते हो दूर लेना चाहते हो, डजंट मेक अ डिफरेंस, बट द ओनली थिंग इज दिस एंगल हैज टू बी मोर देन जीरो एंड लेस देन फाइव एंड दिस इज गोइंग टू बी माय डायग्रामो। लुक एट इट, लुक एट इट, तो डायग्रामो एंगल फाइव, फाइनल स्टेटमेंट आई लीड्स वी बाय एंगल फाइव। डू यू अग्री? सो आई लीड्स वी बाय एंगल फाइव, लुक एट इट। हमने लास्ट लेक्चर में, अभी लास्ट टॉपिक में ये देखा कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल फाइव, बट लेट मी टेल यू इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि करंट हमेशा लीड ही करता है। करंट इसलिए लीड कर रहा था क्योंकि कैपेसिटर पावरफुल था, XC was greater than XL. So, let me write that a note. If XC greater than XL, that is capacitor is powerful, then I leads V by angle phi. But on the other hand, if XL is powerful, मतलब inductor powerful है, do you agree? तुम्हारा plus का minus और minus का plus हो जाएगा, then यू नो इंडक्टर पावरफुल है तो कौन लीड करेगा? वोल्टेज। देन वी लीड्स आई बाय एंगल फाइव। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट अगर कॉम्बिनेशन में आर एल सी के कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर पावरफुल है तो करंट लीड कर जाएगा, मतलब एक्सी बड़ा है तो करंट लीड कर जाएगा। अगर एक्सएल बड़ा है तो वोल्टेज को मौका मिलेगा लीड करने का, एंगल भले वही रहेगा क्योंकि XC माइनस XL बोलो या XL माइनस XC बोलो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बट करंट का लीड या लैग, वोल्टेज का लीड या लैग, वो पता चलेगा कौन पावरफुल है वहां से। ऑलराइट, सो दिस वाज द नोट एंड नाउ लेट अस गो टू दैट एनालिटिकल सॉल्यूशन। यू नीड टू बेयर विथ मी, लॉट ऑफ एल्जेब्रिक स्टेप्स। सो एनालिटिकल सॉल्यूशन, दिस इज नंबर टू, एनालिटिकल सॉल्यूशन of the RLC series circuit. Do I need to draw the RLC series circuit again? Achha, in case you might have forgotten, this was RLNC again, and this was voltage, and this is V is equal to Vm sine omega t, this is R, this is L, this is C,
this is VR, this is VL, and this is VC. Alright, now, you know, आप देख रहे हैं the total potential difference V from here. इस पे थोड़ा सा ड्रॉप होता है VR, इस पे थोड़ा ड्रॉप होता है VC, VL, इस पे थोड़ा ड्रॉप होता है VC. So we can see from the diagram, VR, sorry, plus VL plus VC, that is equal to V. Anybody knows what is VR? IR. What is VL? LDI by DT. And what is VC? Q by C. And what is V? Ye raha. So this is my first equation. VR is what? IR by Ohm's law. Induced EMF, self-induced EMF across inductor VL is LDI by DT. And VC, you know, Q is equal to C V ke chariye, V is equal to Q by C. Acha, aap dekh rahe, ye I hai, ye DI by DT hai, ye Q hai. Sabko thoda thoda change karna mangta hai. Acha, we know. Kya jante hum? You know, I is dq by dt. Ye hum jante hai. Also, any idea what is di by dt? सर आपने अभी बोला आई इज डी क्यू बाई डी टी, तो इस आई की जगह डी क्यू बाई डी टी लगा दे तो क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर. माय गॉड, अनबिलीवेबल बॉडी. डी आई बाई डी टी को डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर बना के यहां लगाओ, आई की जगह डी क्यू बाई डी टी बना के यहां लगाओ. डू यू अंडरस्टैंड? ये पूरा इक्वेशन क्यू में आ जाएगा. सो इक्वेशन वन becomes, क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं इक्वेशन नंबर वन, आई की जगह डी क्यू बाई डी टी, तो आर डी क्यू बाई डी टी प्लस एल, ये रहा डी आई बाई डी टी की जगह डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इज वी एम साइन ओमेगा टी. और सर डेंजरफुल इक्वेशन आ गया है, तो जबरदस्त. इसमें डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर भी है, डी क्यू बाई डी टी भी है, क्यू भी है. डोंट यू थिंक दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू? सो इक्वेशन टू इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू फॉर आर एल सी सर्किट. And अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन रिजेंबल करता है फोर्स्ड ऑसिलेशन के इक्वेशन को जो हमने चैप्टर 14 में किया था, स्टैंडर्ड 11. यू रिमेंबर ऑसिलेशंस चैप्टर? सो इट रिजेंबल्स द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स्ड डैम्प्ड एंड फोर्स्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस. So, हम इसका यहां पे एक सोल्यूशन अज्यूम करते हैं. सो दस द इक्वेशन फॉर चार्ज क्यू इज अज्यूम्ड, जैसा हमने इक्वेशन फॉर एक्स अज्यूम किया था, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव या एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सेम टाइम्स इज अज्यूम्ड एज क्यू इज क्यू एम लेडीज cos omega t plus theta. कोई मेरे को पूछेगा सर phi क्यों नहीं लिया? अरे चाचा हमको पता नहीं है ना, phi तो इक्वेशन करंट के फेज डिफरेंस का है, चार्ज के नहीं. तो चार्ज के हमने cos omega t plus theta लिया. देखेंगे आगे क्या होता है. q मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे dq by dt चाहिए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा. मुझे d square q by dt चाहिए, dt square चाहिए, तो एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा. तो मैं ये उड़ाने वाला हूं, आप देख लीजिए जरा, फिर मेरे को बताइए कुछ लफड़ा वफड़ा है कि नहीं है करके. मैं यहां पे डिफरेंशिएट करना शुरू करूं, उससे पहले अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करूंगा फिर मैं रुकूंगा नहीं, फिर मैं धमाधमी मचाता जाऊंगा. ऑलराइट, ओके, तो लेट अस स्टार्ट. धमाधमी मचाना, लेट अस स्टार्ट.
ये हमने ऑसिलेशंस में साइन लिया था ना, तो यहां पे भी साइन ही लेते हैं, कॉस क्यू ले साइन ही लेते हैं. सो क्यू इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा डी प्लस साइन लेते हैं. हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑसिलेशन का भी साइन में ही था, तो विल कीप इट साइन. लेट्स डिफरेंशिएट इक्वेशन थ्री. आई एम गोइंग टू मूव अ लिटिल फास्ट नाउ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डी क्यू बाई डी टी. अगर आप चाहें कि सर ये समझ में नहीं आया ये स्टेप, आप मेरे को बिल्कुल रोक दीजिएगा. क्यू एम बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन समथिंग इज कॉस समथिंग इन टू डी बाई डी टी ऑफ दैट समथिंग. सो क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इन टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा. डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी इज वन एंड डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी जीरो. तो ओमेगा आपको बाहर खींच लिया हमने. डी क्यू बाई डी टी इज क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा. लेट मी पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट. ये जो भी मेरे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हैं, इनके आसपास ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं. एक और बार डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट इक्वेशन फोर अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डी स्क्वेयर क्यू बाय डी टी स्क्वेयर विच इज डी बाय डी टी ऑफ डी क्यू बाय डी टी. मतलब डी बाय डी टी ऑफ दिस होल थिंग करना है. क्यू एम ओमेगा तो बाहर ही ले लो यार, अब तो तुमको पता चल गया. क्या छुपा है तुमसे? कुछ नहीं छुपा. d by dt of cos something minus sin something and sin to aa jayega into d by dt of omega t plus phi which we know is omega square. So minus qm omega square sin omega t plus phi. This is my equation number 5. Sir kya karne wale ho iska bhai? आलू मटर टमाटर और कैप्सिकम के साथ क्या करते हैं? उसको तेल में डालते हैं जीरे के साथ और पीस देते हैं, एक साथ पाव भाजी बना देते हैं. क्यू है, डी क्यू बाई डी टी है, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर है. इन तीनों को ठाकर इसमें लगाने का. ये हमारा, इसको तो डाला ही नहीं डब्बा. ऐसा नहीं कि इज्जत नहीं दे रहे हम इसको, ये सब कुछ इसमें डालते. क्यू यहां पर डालेंगे, डी क्यू बाई डी टी यहां डालेंगे, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर यहां डालेंगे. बस बहक मत जाना, बरोबर. डालना है, संभाल के डालना है. ऐसा ना है कि डालते डालते तुम डल जाओ अंदर. हो सकता है थोड़ा बड़ा निकले, पर हम हैंडल कर लेंगे. सो पुट इक्वेशंस 3, 4 and 5 इन इक्वेशन द्वितीय. ओके, हरक्यूलियन टास्क. तो आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, काम मर गया ये रहा, ये जिंदा है. QM omega cos omega t plus phi plus, don't worry, I'll do the whole thing. L into d square q by dt square. So minus QM omega square L sine omega t plus theta plus q by c plus QM sine omega t plus theta by c is equal to VM साइन ओमेगा टी. बराबर सब डल गया. आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी ये रहा, डल चुका है. प्लस एल, एल ये रहा. माइनस क्यू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर डल गया. प्लस क्यू बाई सी, तो क्यू क्या है? क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बाई सी. वी आर ऑल गुड. एंड नाउ आई शुड टेक दिस ऑल ऑफ नाउ, क्योंकि इतना बड़ा इक्वेशन है, इसको हैंडल तो करना पड़ेगा ना. क्या निकालने का, क्या कॉमन निकलेगा, सब करना पड़ेगा. सब करेंगे, डोंट वरी, वी आर ऑल गुड. बस आप देखते रहे और बेहोश ना हो जाए, बस बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा. सी, अच्छा. अब सबसे पहली बात, साइन वाले कौन कौन है और कॉस वाले कौन कौन है? साइन वाले ये दोनों है, कॉस वाला ये अकेला है. तो कॉस वाले को साइड में दबा देंगे. गंदा क्यों हो गया. क्यू एम ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस, अब ये क्यू एम बाई सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर एल. तो प्लस इसको कॉमन ले लूं, क्यू एम बाई सी माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर एल द होल इनटू
sin omega t plus theta is equal to Vm sin omega t. मैं Qm को भी बाहर निकाल रहा हूं और ओमेगा को भी निकाल रहा हूं. सर आप ओमेगा को निकालेंगे, इसके पास तो बच्चे के पास ओमेगा नहीं है. एक काम करते हैं, यहां नीचे अकेला सी है ना, ओमेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते. क्या बात है सर, क्या बात, एकदम जालिमगिरी कर ले. क्यू एम ओमेगा स्क्वायर एल जो बचेगा उसको अपने हैंडल कर लेंगे. क्यू एम ओमेगा, क्यू एम ओमेगा, क्यू एम ओमेगा आया बाहर. इक्वेशन छोटा से छोटा होता जा रहा है. आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस वन बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल. कहीं इसको पहचानते हो क्या? वन बाय ओमेगा सी कौन है? एक्स सी. ओमेगा एल कौन है? एक्सएल. बराबर इनटू, देखा धीरे धीरे पहचान में आने लगे हो, पता नहीं किस गली जाने लगे हो है? अच्छा और लिखने की जरूरत है यार, फिर भी लिख देता हूं. वन बाय ओमेगा सी इज एक्स सी एंड ओमेगा एल इज एक्सएल. तो क्यू एम ओमेगा, मैं फिलहाल सारे स्टेप कर रहा हूं, एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप स्टेप मिस कर गए तो ढूंढते रहोगे कि ये कहां से आया था सर, किस तरह लाए. बरोबर, तो मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं. आप एंड में पिचकाना चाहते हो कंप्रेस कर सकते हो, दो तीन स्टेप गापची मार सकते हो, अलाउड है. गवर्नमेंट ने भी मारी है, यू नो टेक्स्ट बुक में दो तीन स्टेप, फिर आप ढूंढते रहोगे कहां से आया यार. तो मैं हर स्टेप कर रहा हूं, एक एक चीज कर रहा हूं. अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय जेड. सो नंबर क्या है इसका? कोई नंबर है? सिक्स. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जेड, ये वही जेड अपना इंपीडेंस. आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ, हैव अ लुक. लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी. थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा. लुंगी डांस नहीं, ये इंपीडेंस. सो क्या बन जाएगा? ये तो सिर्फ मैं सारे स्टेप कर रहा हूं, इसलिए इट्स टेकिंग अ लिटिल टाइम. तो क्यू एम ओमेगा इंटू जेड, तो मैंने जेड मल्टीप्लाई किया और यहां डिवाइड करूंगा. आर बाई जेड प्लस xc माइनस xl बाय जेड अच्छा लास्ट टाइम इंपीडेंस डायग्राम बनाया था, बराबर ये रहा, ये phi था और ये xc माइनस xl था, ये r था और ये z था. फ्रॉम दिस डायग्राम कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी r बाय z? डू यू अग्री इट विल बी cos phi? Cos phi is R by Z. And what is sin phi? XC minus XL by Z. From impedance diagram, R by Z is cos phi. आपने देखा phi धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है. And XC minus XL by Z is sin phi. R by Z की जगह यहां पे cos phi लगा दूंगा and XC minus XL by Z की जगह sin phi लगा दूंगा. And as a result, so our equation becomes, क्या बन जाता है? Qm omega z, r by z कितना है? Cos phi into cos omega t plus theta plus, ये plus था कि minus था? Plus था बाबा. Plus sin phi into sin ओमेगा टी प्लस थीटा. मैथ्स वालों को शायद इसमें रब दिख रहा होगा. कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इजंट इट कॉस ए माइनस बी? माय गुडनेस, अनबिलीवेबल बड़ी. अच्छा इसको मैं ए लिख रहा हूं, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है. सो हियर भाई बायोलॉजी वाले सोच रहे सर हमको कुछ नहीं बता रहे हो. कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, इजंट दिस करेक्ट? तो अब मेरा इक्वेशन फाइनली क्या बन जाएगा? ये तो घुर चला जाए,
सीधाई भट्टी में, ये लंबा है छोटा नहीं है, एनालिटिकल सोल्यूशन है, आंडू पांडू नहीं है, फेजर जितना छोटा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, प्योर एल्जेब्रा एंड आई लव प्योर एल्जेब्रा, कहां से कहां पहुंच जाते हो। सो क्यू एम ओमेगा जेड कॉस, कॉस कितना, ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव इज वी एम साइन ओमेगा टी। आहा सर क्या कंप्रेशन मारा है, इक्वेशन को छोटा ही छोटा बना दिया। तो अब देखो सिर्फ ये देखो, ये वी एम डू यू एग्री इज कंपेरेबल टू दिस, ये वैल्यू इज कंपेरेबल टू क्यू एम ओमेगा इंटू जेड। सो हियर, अच्छा सर आप ये कॉस है और ये साइन है, पहले इसको किसी को साइन में या कॉस में कन्वर्ट कर लो, ओके फिर कंपेयर करता हूं, ठीक है। तो Vm cos वाह 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 सर, cos ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इज साइन ओमेगा टी, फेयर इनफ। सो ये आ गया, ये भी cos, मजा आने वाला है सर जी। सो कंपेयरिंग वी गेट, मेरे को पब्लिक ये भी पूछती है सर ये कहां से लाया था, अरे भाई यही इक्वेशन cos a माइनस बी, कंपेयर कर लो cos omega t cos of pi by 2 plus sin omega t sin pi by 2, cos pi by 2 कितना 0, sin pi by 2 कितना 1, आ गया sin omega t, एंजॉय करने का यार। ओके वी गेट vm इज qm omega into z एंड यू अग्री, रिमेंबर im इज vm by z, तो vm इज im into z, तो ये im नहीं होना चाहिए। वाह 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 सर, एक के बाद एक दमा दमी। सो दिस इज आई एम इन टू जेड एंड नाउ आई एम वेयर आई एम, आई एम मतलब मैं हूं नहीं, आई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज क्यू एम इन टू ओमेगा, याद रखिएगा बाद में जरूरत पड़ेगी। एंड अभी इन दोनों को कंपेयर करो तो ओमेगा टी ठीक है, तो थीटा माइनस फाइव इजंट इट माइनस फाइव बाई टू, एंड थीटा माइनस फाइव इज माइनस फाइव बाई टू, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां ये माइनस फाइव वहां चला जाएगा, तो फाइव माइनस फाइव बाई टू रख देंगे और मैटर क्लोज करेंगे। अच्छा अब मेरे को इक्वेशन, मेरा पहले से ही करंट में ही इंटरेस्ट था, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी में ही मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। तो अगर मेरे Q का इक्वेशन सब रेडी है तो चलो फिर I का इक्वेशन भी रेडी करते हैं। नाउ द इक्वेशन फॉर करंट, व्हाट वाज इक्वेशन फॉर करंट, I इज dQ by dt, यू रिमेंबर Q वाज QM sin omega t plus theta, सो इट वाज व्हाट, sin का cos हो जाएगा ना, QM omega cos omega t plus theta, QM ओमेगा तो IM है ही, नो इश्यूज अबाउट दैट, बट मुझे थीटा चाहिए, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस थीटा, इस थीटा को उठा के यहां रख देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये QM ओमेगा इंटू क्या, ये तो IM है इंटू कॉस, ध्यान से देखिए ओमेगा T प्लस थीटा की जगह फाइव माइनस फाइव बाय टू, आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ एंड फाइनल इक्वेशन आने ही वाला है, बस आ ही गया है, बस इसको सर्व कर देंगे। सो भाई व्हाट इज कॉस ऑफ ब्ला माइनस पाई बाई टू, इजंट इट साइन ब्ला, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू इजंट इट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वाओ। सो इक्वेशन फॉर करंट, एसी करंट, एसी कौन सा सी, एसी करंट इज, ये पूरा आपको करना है, आंडू पांडू नहीं है, आई इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वाह वाह वाह। और लास्ट इक्वेशन नंबर क्या है, कोई नंबर ही कोई नहीं है सर, कहां लिखेगी, छह के बाद आई थिंक ये सात हो गया,
ये 8 हो गया और ये आ गया तुम्हारा नंबर 9, ऑलराइट। एंड वेयर आई एम इज क्यू एम इंटू ओमेगा एंड दैट इज इक्वल टू वी एम बाई जेड, वेयर जेड हमको तो पता ही है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल द होल स्क्वायर एंड टेन फाइव इज एक्स सी माइनस एक्स एल द होल बाय आर। सो ये हो गया एनालिटिकल मेथड। एक और छोटा सा टॉपिक करा के आज के कार्यक्रम को अंत करेंगे। जस्ट हैव अ लुक। ऑलराइट गाइस, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, रेजोनेंस। रेजोनेंस आपने लास्ट सुना था फोर्स्ड ऑसिलेशंस में, इफ यू रिमेम्बर। यू नो एवरी सिस्टम हैज गॉट अ पर्टिकुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बिकम्स नियरली इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सिस्टम वाइब्रेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। दैट वॉज रेजोनेंस इन ऑसिलेशंस। एसी सर्किट्स में रेजोनेंस का मतलब क्या है? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पकड़ लो कि यू रिमेंबर द इक्वेशन वी नो इन एन आर एल सी सीरीज सर्किट, आई एम इज वी एम बाई जेड एंड व्हाट इज जेड। आई थिंक हमने इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह किया था लास्ट टॉपिक्स में, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल द होल स्क्वायर। रेजोनेंस का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारा ये करंट मैक्सिमम हो जाए। नाउ अंडरस्टैंड, आई एम मैक्सिमम करने के लिए डू यू अग्री इंपीडेंस मिनिमम करना पड़ेगा, बराबर। सो द कंडीशन इन विच करंट आई एम बिकम्स मैक्सिमम इज कॉल्ड रेजोनेंस। मैं इसका प्रैक्टिकल आइडिया भी बताऊंगा थोड़ी देर में। फॉर दैट, फॉर दिस जेड हैज टू बिकम मिनिमम। और जेड मिनिमम कब होगा? तुम बोलोगे सर आर निकाल दो, तो फिर वो आर निकल जाएगा तो फिर एलसी सर्किट रह जाएगा। मुझे तो तीनों चाहिए, आर एल और सी। तो दी ओनली आइडिया इज ये एक्स सी माइनस एक्स एल को जीरो कर दो। सो दिस हैपेंस व्हेन एक्स सी माइनस एक्स एल बिकम्स जीरो। यू नो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द रियल पार्ट, दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। सो द इमेजिनरी पार्ट हैज टू बिकम जीरो। एनीबॉडी नोज द वैल्यूज ऑफ एक्स सी एंड एक्स एल? सो वन बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इज जीरो, विच मीन्स ओमेगा एल इज वन बाय ओमेगा सी। ये एल को यहां पे लेता हूं, ओमेगा को यहां पे। सो ओमेगा स्क्वायर इज वन बाय एल सी एंड फाइनली देयरफॉर आई गेट ओमेगा इज वन बाय रूट ऑफ एल सी। आई कॉल दिस एज ओमेगा जीरो। ओमेगा जीरो इज कॉल्ड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एट दिस पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्स सी माइनस एक्स एल बिकम जीरो एंड एज अ रिजल्ट, अच्छा एक्स सी माइनस एक्स एल जीरो हो गया तो ये जेड कितना हो जाएगा? मॉड आर, है ना। एट ओमेगा जीरो एक्स सी माइनस एक्स एल बिकम जीरो तो जेड कितना हो जाएगा? आर, रूट ऑफ आर स्क्वायर इज आर। सो करंट आई एम इज वी एम बाय आर, दिस इज द मैक्स करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और आपने इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि अगर हम हमारी एल और सी को इस तरह सेट करें, एडजस्ट करें कि ये ओमेगा जीरो पे आ जाए तो उस पॉइंट पे करंट हमारा मैक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर यू नो कि आपके रेडियो में बहुत सारे स्टेशन आ सकते हैं, पर क्या सारे स्टेशन एक साथ बजते हैं? नहीं, हमको रेडियो ट्यून करना पड़ता है। हैव यू एवर नोटिस्ड? हम गोल 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 घुमाते हैं
तो वो बैंड हिलता जाता है और फिर हम 98.3 पे आ जाते हैं, और 98.3 पे आते ही किसका आवाज आता है? रेडियो मिर्ची का। आई ऑल गेट्स इन टू एफ एम, यू ऑल लिसन टू एफ एम, दैट्स नाइस टू नो, दैट्स नाइस टू नो। तो अब जैसे 91.1 पे लगा दिया तो कोई और स्टेशन बजेगा, 94.3 पे लगा दिया तो कोई और स्टेशन बजेगा, ऐसा क्यों होता है? ये जब हम गोल गोल घुमाते हैं तो एक्चुअली कर क्या रहे हैं? एनी आइडियाज? ओके लेट मी टेल यू, अंदर रेडियो के अंदर एल एंड सी है, एंड हम सी की वैल्यू चेंज करते करते, डू यू अग्री, सी की वैल्यू चेंज होती है तो ओमेगा भी चेंज होता रहता है, और ये ओमेगा जो वैल्यू आती है वो एंटीना को बोलते हैं हम, कि ये वैल्यू का सिग्नल पकड़, सिग्नल तो बहुत सारे हैं पूरे पूरे यू नो हमारे एटमोस्फियर में इतने सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, पर तुमको कौन सा पकड़ना है, तुमको कौन सा गाना सुनना है, वो तुम कैसे बताओगे एंटीना को? एल और सी को एडजस्ट करते हुए। सो तुम्हारे रेडियो में सी है जिसको घुमा घुमा के तुम इसकी वैल्यू एडजस्ट करते हो, और फिर जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक पॉइंट पे आ जाती है, जब कोई स्टेशन होता है तो वो स्टेशन का गाना बस तो बजता है। हैव यू एवर नोटिस, जैसे एग्जैक्टली 98.3 पे आता है, बढ़िया सा रेडियो मिर्ची बजना शुरू हो जाता है एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी, वाह मजा आ गया। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर एडजस्टेड। आप अपने रिमोट कंट्रोल को भी देखो ना, आप रिमोट कंट्रोल पे बटन दबाते हो, आपको क्या लगता है क्या होता है? टीवी को पता चल जाता है। कैसे पता चलता है टीवी को? व्हेन यू प्रेस, यू नो रिमोट में भी एल और सी है, जब तुम एक बटन दबाते हो तो उस पर्टिकुलर बटन का एल अलग होता है, सी अलग होता है, वो दोनों अलग से मिलते हैं और उस फ्रीक्वेंसी का वेव निकलता है जो फ्रीक्वेंसी को टीवी में सेट किया गया, कि ये फ्रीक्वेंसी आए तो वॉल्यूम चेंज करना या चैनल चेंज करना, और वो उस हिसाब से मैच करता है कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये है, वॉल्यूम चेंज करने को बोला है तो बढ़ा दो या घटा दो, वॉट एवर बी द केस। तो जहां जहां यू नो आपके मोबाइल में भी एल और सी है, आप फोन करते हो तो यहां से यू नो टावर पे जाता है टॉ टॉ करके, और वहां से फिर दूसरे आगे बढ़ता है फोन, ये सब कुछ जहां भी फ्रीक्वेंसी की बात होती है एल और सी आ ही जाते हैं। बट याद रहे नोट, रेजोनेंस कैन अकर ओनली व्हेन देर इज आर एल एंड सी। अगर एक आध भी कम है तो वर्कआउट नहीं होगा, अगर आर और सी है एल नहीं है तो रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा, या आर और सी है या आर और एल है सी नहीं है तो रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा, ये शायद पहले मैं बोला, या जो भी ये कम है तो रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा, यू नीड ऑल थ्री। सो फॉर रेजोनेंस वी नीड ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर एल एंड सी, एक भी कम हो तो नहीं होगा। और जब फ्रीक्वेंसी की बात चली तो बता दूं, यू नो ओमेगा इज 2 पाई नू, तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको चाहिए नू जीरो, ये तो एंगुलर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नू जीरो, तो इट विल बी 1/2 पाई √LC। दिस इज वॉट इज कॉल्ड रेजोनेंस। एक आध न्यूमेरिकल में आपको समझा दूं, लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 7 प्लीज, इफ यू आर लुकिंग एट न्यूमेरिकल नंबर 7, दैट्स पेज नंबर, आई डोंट रिमेम्बर बट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, पेज नंबर 266 पे न्यूमेरिकल 7 है। दिस ए 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, सी दिया हुआ, एंड 27 मिली हेनरी इंडक्टर है। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी? ओमेगा जीरो इज 1/√LC, एल की जगह 27 मिली हेनरी लगाए, सी की जगह 30 माइक्रो लगाए और ओमेगा जीरो की वैल्यू फाइंड करें। डू यू थिंक यू कैन डू दिस न्यूमेरिकल 7.7 पॉसिबल? यस सर। ऑलराइट, तो हम एक फाइनल न्यूमेरिकल करके विल गेट आउट ऑफ हियर, वी आर डूइंग, या न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम पे रखते हैं, लेट्स लेट्स कीप इट टू नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, आई थिंक ये एक न्यूमेरिकल कीजिए आप, अच्छा रहेगा, बाकी न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट टाइम करते हैं। न्यूमेरिकल 7.7 में एल की वैल्यू, सी की वैल्यू लगाए और ओमेगा जीरो की वैल्यू फाइंड करें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दमादम न्यूमेरिकल्स करेंगे, डोंट वरी, टेक केयर, बाय बाय।